शिवपुरी शहर के दोबत्ती चौराहा के आसपास लगातार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आ रहा था। ऐसे में दोबत्ती चौराहे के आसपास सौंदर्यकरण को खत्म कर शासकीय भूमि पर लोग अपनी गुमटियां रख लेते हैं और उन्हें स्थायी रूप में बदल कर अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं और स्थायी रूप से उन्हें स्थापित कर लेते हैं। नगर पालिका CMO ईशांत धाकड़ को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने आज दमकल के साथ मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और उसके बाद जब जाकर देखा तो स्थायी दुकानें संचालित मिली। इसके बाद उन्होंने स्थायी दुकानों को मौके से दलबल के साथ हटवाया और उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि पर लगभग 15 दुकानें स्थायी रूप से जमी हुई थी जिन्हें हटाया गया है। साथ ही एक सांची पार्लर को भी हटाया गया है। सांची पार्लर नगर पालिका की परमिशन से ही रखा होता है लेकिन CMO ने कहा कि सांची पार्लर पर केवल सांची के प्रोडक्ट ही बेचे जा सकते हैं लेकिन ऐसे में वह अन्य प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं इसलिए उनकी गुमटी को हटाया गया है। शहर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर स्थायी दुकान वालों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नाम जी आपका? मेरा नाम रजनी है। रजनी जी, दो बत्ती पे काई की स्टॉल है आपकी? सांची दूध बूट की। कब से संचालित है यहाँ पे? 2017 से संचालित। तो अतिक्रमण टूट रहा है तो इसमें आपकी दुकान भी बंद कर रहे हैं? हाँ, वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं पर सांची का बूट ग्वालियर से अनुमति लिए, नगर पालिका से CMO की अनुमति लिए, उसके बाद भी वो थोड़ा फोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने इसका विरोध विरोध नहीं किया, क्या कहना है, किस कारण तोड़ रहे हैं? नहीं, मेरे नगर पालिका को मेरे पास अनुमति है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं सारे उनके सामने साबित कर रही हूँ। कितने पैसे जमा कर रही थे आपने? मैंने 25,000 रुपये बूट के करे थे, बाकी के नगर पालिका से अनुमति ली। आगे कहाँ जाने वाले हो आप? कहीं नहीं जाएंगे, ये दो बत्ती की अनुमति है तो यहीं रहेंगे। नगर पालिका द्वारा दो बत्ती चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, किस उद्देश्य की जा रही है और कितनी दुकानें पर कार्रवाई की? देखिए, आप इस तरीके से हम इस दो बत्ती चौराहे को देखते हैं और इसका एक सौंदर्यीकरण किया गया है लेकिन हम ये देखने में ये आ रहा है कि लगातार जो शासकीय भूमियाँ हैं उन पर ये छोटी छोटी गुमटियाँ लगाकर और इनको फैलाया जा रहा है, अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा है। जो पथ विक्रेता के नाम पर लोग यहाँ आते हैं अपने ठेलों पर और उसके बाद स्थायी यहाँ पर निर्माण करने लगते हैं, जो कि हमें कई स्थायी निर्माण यहाँ पर दिखे हैं ऐसे, और उन सब पर आज हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कई जगह हॉकर्स कॉर्नर बनाए हैं, हमने यहाँ पर सभी को कहा है कि जो भी दो बत्ती चौराहे पर है हमने फिजिकल पर ही एक अपना हॉकर्स कॉर्नर बनाया है, वहाँ पर आप अपना ठेला ले जाकर अपने पथ विक्रेता जो भी इसके वो वहाँ जा सकते हैं। तो कितनी दुकानों पर सर कार्रवाई की गई है अभी तक? अभी कार्रवाई कम से कम 15 के आसपास दुकानें हैं उन पर कार्रवाई। कुछ लोगों को समझाइश भी दी गई है, डायरेक्ट तोड़ा गया है सर? बिल्कुल, पहले समझाइश वगैरह सब पहले पूर्व में हो चुकी हैं, सभी शासकीय स्थान पर अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण करेंगे तो उसके समझाइश के लिए नहीं है, कोई भी अनुमति नहीं है इसकी, है ना, इसलिए इन पर सीधी कार्रवाई करेंगे, हम हटाएंगे। चूँकि हॉकर्स कॉर्नर शहर में कई जगह बने हुए हैं, आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। सर आप सर इसमें एक सांची दूध पार्लर की भी है, उसको तो नगर पालिका ने परमिशन भी दी है सांची पार्लर पर? आप सभी को मालूम है कि सांची पार्लर जब इसके परमिट किया जाता है तो केवल मिल्क प्रोडक्ट, तो सांची के मिल्क प्रोडक्ट हैं और उसके प्रोडक्ट हैं उनके लिए किया जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सांची मिल्क पार्लर भी उसमें अन्य किस्म के पूरा अलग चीज़ों को भी बेचा जा रहा है जो कि उसको बिल्कुल परमिशन नहीं है। ऐसे में हम सांची के ऑफिस है उनके जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी हमारे एक नोटिस भेज रहे हैं कि इस तरीके के सांची पार्लर में अगर हो रहे हैं तो आप निरीक्षण करिए, अन्यथा हमें उनको हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।